सो लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं एंड मैंने अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया है इन 1.5 महीनों में। उसके कुछ अपने रीज़न हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज के सुन में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपने होम स्क्रीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो एंड अपने फ़ोन के होम स्क्रीन को एक बहुत ही नया लुक दे सकते हो। एंड हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ। अब छत पे हूँ तो ये लगभग आउटडोर हो ही जाता है, सो इसे आउटडोर बोल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बाय द वे, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर। एक्चुअली उनका अभी एक ब्लैक फ्राइडे साइबर मंडे सेल चल रहा है। इस सेल में सारे के सारे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 35% ऑफ पे आपको मिल जाएंगे। ये सेल जो है वो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला है। सो इस बीच इनके सारे प्रोडक्ट्स को आप 35% ऑफ में पा सकते हो। और उसके साथ ही और भी इनके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें भी आप 35% ऑफ पे भी परचेज कर सकते हो। अब बात करें मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर की, तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने फ़ोन के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी अपने पीसी में एंड अपने व्हाट्सएप के चैट्स को बैकअप कर सकते हो एंड उसे रीस्टोर भी कर सकते हो। इसके जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फ़ोन के डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में। इसके लिए आपको सिंपली मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है फ़ोन ट्रांसफ़र पे एंड देन आपको सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस इन दोनों डिवाइसेस को सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको किन किन चीज़ों को यहाँ पे शेयर करना है वो चीज़ों को यहाँ पे आपको टिक कर लेना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे टैप करोगे एंड बस का जो सारा डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो अगर आप मोबाइल ट्रांस सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हो तो अभी इनका सेल चालू है, 35% ऑफ पे आपको इनका पूरा का पूरा टूल मिल जाएगा एंड उसके साथ ही 35% ऑफ पे फ़ोन ट्रांसफर एंड व्हाट्सएप ट्रांसफर जो भी आपको चाहिए हो वो टूल आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। इनके सेल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी नोवा लॉन्चर की और उसके साथ ही आपको एक नोवा लॉन्चर का बैकअप फाइल चाहिए होगा जिसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक KLWP ऐप जो कि प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है एंड उसके साथ ही आपको KLWP का प्रो जो की है वो भी आपको चाहिए होगा। कुछ दिन पहले प्रो की जो है वो आपको मतलब प्रो की जो है वो सिर्फ 10 रुपीज़ में मिल रहा था। होपफुली आपने परचेज किया हो एंड अगर आपने परचेज नहीं किया हो तो आप अभी भी परचेज कर सकते हो एंड परचेज अगर नहीं करना चाहते, अगर फ्री में चाहते हो तो बस इंस्टाग्राम पे आ जाओ, फॉलो करो, मैसेज करो एंड वहाँ पे मैं आपको उसका फ्री लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हमें एक आइकॉन पैक चाहिए होगा जिसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड उसके साथ ही आपको फ्रेसी KWGT ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो अभी वो जो ऐप है वो आपको 45-50 रुपीज़ में मिल जाने वाला है। सो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस ऐप को आप परचेज कर सकते हो एंड अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे पास उसके 20 प्रोमो कोड्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि प्रोसीजर क्या होने वाला है इस होम स्क्रीन सेटअप को सेटअप करने के लिए। उसके लिए जो स्टेप्स है वो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो आपको नोवा लॉन्चर ऐप को ओपन करना है, को नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अप्लाई बटन पे टैप करना है, देन अगेन नोवा लॉन्चर ऐप को ओपन करना है। अब सबसे पहले हम वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं। इसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जाना है वॉलपेपर्स पे एंड उसके बाद आपको पिक इमेज पे क्लिक करके आपने जो वॉलपेपर डाउनलोड किया हुआ है उस वॉलपेपर को चूज करके उसे होम स्क्रीन पे सेट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन जाना है सेटिंग्स में एंड आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट डिफॉल्ट लॉन्चर, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको नोवा लॉन्चर को अपने फ़ोन में एज ए डिफॉल्ट लॉन्चर सेट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करना है, जाना है सेटिंग्स में, देन आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप एंड इम्पोर्ट सेटिंग्स, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। देन आपको रिस्टोर और मैनेज बैकअप्स में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट स्टोरेज का, उसके नीचे ब्राउज का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। देन आप फाइल मैनेजर में चले जाओगे, देन आपने जो नोवा बैकअप फाइल को डाउनलोड किया हुआ है सिंपली आपको उस नोवा बैकअप फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको ओके बटन पे प्रेस करना है। देन आपके फ़ोन में वो नोवा लॉन्चर बैकअप जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। देन आपको अगेन नोवा लॉन्चर ऐप को ओपन करना है, देन आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का सेटअप हो जाने वाला है। सो यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पे विजेट्स को सेटअप करना होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे हम जो ऊपर वाला विजेट है उसे यहाँ पे सेटअप करने वाले। सो सिंपली आपको उस विजेट पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे तो आप KWGT ऐप के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको फ्रेशी KWGT के जितने भी विजेट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले। देन आप यहाँ पे स्लाइड करो एंड आपको कुछ इस तरीके का विजेट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस विजेट को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आप इसके साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से इसके साइज
साइज को कम ज़्यादा जितना आपको रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद ऊपर में आपको सेव बटन देखने को मिलेगा, सिंपली आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, होम बटन पर टैप करना है, देन आपका होम स्क्रीन कुछ इस तरीके का हो चुका है एंड आपके होम स्क्रीन पर एक जो विजेट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सेटअप करने वाले अपने सेकेंड विजेट को जो कि एक सर्च बार है, तो इसके लिए आपको सेकेंड वाले विजेट पर टैप करना है, देन अगेन आप KWGT ऐप के अंदर आ जाओगे। उसके बाद आपको ये जो सर्च वाला विजेट है आपको ऐसा सर्च विजेट इस ऐप में से फाइंड कर लेना है। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस होने वाला है, आपको इस विजेट का साइज जितना रखना है उतना आप रख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा फुल कर दो, मतलब सारे जो कॉर्नर है वो सारे कॉर्नर से मिले होने चाहिए, जिससे आपका होम स्क्रीन वो थोड़ा बेटर लुक प्रोवाइड करेगा। सो साइज को एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव बटन पर टैप करना है, होम बटन प्रेस करना है। अब हम यहाँ पे सेटअप करने वाले अपने सेकेंड विजेट, तो इसके लिए आपको सेव विजेट पर टैप करना है, देन अगेन आप KWGT ऐप के अंदर आ जाओगे। आपको ये जो विजेट है आपको ऐसा विजेट इस ऐप में से फाइंड कर लेना है। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस होने वाला है, आपको इस विजेट का साइज जितना रखना है उतना आप रख सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पूरा फुल कर दो। सो साइज को एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली सेव बटन पर टैप करना है, होम बटन प्रेस करना है एंड बस आपके फोन का जो होम स्क्रीन वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है एंड आपका जो होम स्क्रीन वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा है। सो बस इतना ही करके आप अपने फोन के होम स्क्रीन को एक न्यू लुक दे सकते हो एंड बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, होपफुली अगली वीडियो में महीनों ना लगे, जल्दी वो वीडियो आ जाए, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।